Hey guys, welcome back to Pluto Devs. Or as you remember, मैंने last video में जो ये के JavaScript versus C++ versus Python में promise किया था और मैंने एक news announce की थी, exciting news के मैं कुछ paid courses सीख रहा हूँ, मैं कुछ skills सीख रहा हूँ और मैं यहाँ पे वो free में offer करूँगा. तो उसमें से पहली है Monstack Development. ठीक है, Monstack Development जो है वो एक समझ लो God है इन वर्ल्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट. तो मॉन्स्टैक में मेजरली रिएक्ट यूज होता है, मोंगोडीबी यूज होता है, एक्सप्रेस यूज होता है और नोड यूज होता है. ये सब क्या है फिलहाल ना सोचो, मैं बताता हूँ. ठीक है, फिलहाल मैं बताऊंगा तो 2 मिनट रुक जाओ. अगर उससे पहले तुम लोग चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर तो करना ही करना है. लेकिन उससे पहले जो ये कुछ बेसिक वीडियोज है ना, स्पेसिफिकली तुम्हें जाना है प्ले लिस्ट में. चैनल में आके प्ले लिस्ट में जाओ. प्ले लिस्ट में जो ये वेब डेवलपमेंट वाली एक प्ले लिस्ट है, इसमें कुछ रिएक्ट की बेसिक चीजें हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट की बेसिक चीजें हैं, तो वो देख लो, अच्छी प्रैक्टिस कर लो. सब कुछ यहाँ पे नहीं मिलेगा बट चीज़ें मिल जाएंगी कि क्या क्या प्रैक्टिस करना है. तो तुम जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करोगे, HTML CSS तुम्हें आनी चाहिए. ठीक है, एक आधी दो ट्यूटोरियल देख लो HTML CSS पे. मैंने अपने क्रिएट नहीं किए हुए लेकिन कुछ है तो HTML CSS के कुछ ट्यूटोरियल देख लो, फिर जावास्क्रिप्ट के यहाँ से देख लो, फिर रिएक्ट के कुछ यहाँ से देख लो. बाकी मैं करा दूंगा, बाकी फिक्र नहीं करनी, मैं करा दूंगा. तो जिनको बिल्कुल मॉन्स्टैक का नहीं पता उनको भी पता लग जाएगा कि क्या होता है और आपको रोड मैप की समझ आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए. सो काफ़ी एक्साइटिंग कोर्स होने वाला है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं और नहीं मिल रही और यहाँ पे मिलेंगी. तो देर इज़ नो नीड टू वरी, बहुत कुछ आने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. तो गाइस, ये मैं कुछ इमेजेस रिकॉर्ड की हुई हैं अपने कोर्स में से जो कि मैं यूडीमी से बाय किया था, वहाँ से सीख रहा था. तो वहाँ से कुछ इमेजेस मुझे अच्छी लगी जो कि इजी होगा आपको समझाना. सो हम स्टार्ट करते हैं मॉन्स्टैक डेवलपमेंट. मॉन्स्टैक डेवलपमेंट मेजरली इस तरीके से MERN होता है, जिसमें एम जो होता है वो होता है फॉर मोंगो डीबी. जो ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना मोंगो डीबी, ये एक डेटाबेस है. ठीक है, डेटाबेस इसलिए होता है हम अपना डेटा स्टोर करते हैं. ई जो है वो है एक नोड का फ्रेमवर्क समझ लो, एक्सप्रेस. ठीक है, जिस ई फॉर एक्सप्रेस है. और आर जो है वो हमें पता है कि रिएक्ट बाबा है जो हर जगह पे होते हैं, जो कि बहुत फेमस हैं. और एन जो है वो नोड है. ठीक है, नोड एक प्लेटफॉर्म है जो कि जावास्क्रिप्ट में आपको जो कि ब्राउजर में आपका क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट में आपका कोड रन करता है, सारे पैकेजेस वगैरह मैनेज करता है, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो मेजरली अगर मैं तुम लोगों को ना एक एक वर्ड में, एक लाइन में, एक पैराग्राफ में कुछ समझाऊँ ना कि मन क्या है, तो मन कुछ नहीं है. मन चार चीज़ें हैं, बस समझो कि मन कुछ है ही नहीं, चार चीज़ें हैं. तुम उसको आपस में जोड़ के उनसे काम ले रहे हो, दैट्स मन. ठीक है, तुम रिएक्ट में पूरा फ्रंट एंड बनाओगे, हमेशा बनाते हो, कोई डिफरेंस नहीं है. मन भी वैसे ही बनेगा, नॉर्मल रिएक्ट में बनाओगे तो भी वैसे बनेगा, डिफरेंस कोई भी नहीं है. ठीक है, तुम अगर वेबसाइट का बैकएंड बना रहे हो तो तुम नोड एक्सप्रेस यूज़ करोगे. ठीक है, वो अलग यूज़ करोगे, वो फ्रंट एंड से डिफरेंटली पड़ा होगा. तुम उस तरीके से बनाओगे, सारा फ्रंट एंड बन गया, अब बैकएंड बना रहे हो तो नोड यूज़ करोगे, साथ एक्सप्रेस यूज़ करोगे. एक्सप्रेस थोड़ी सी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क टाइप है तो वो चीज़ों को ईजी कर देता है. ठीक है, अब साथ तुम्हें डाटा चाहिए तो तुम डाटा बेस के लिए तुम क्या यूज़ कर लोगे, MongoDB यूज़ कर लोगे. MongoDB यूज़ कर लोगे और तुम अपने बैकएंड को बता दोगे कि भाई मेरे पास ये वाला डाटा बेस लगा हुआ है, तो वो इस तरीके से यूज़ कर लेगा. अब डील कैसे होता है कि तुम समझो तुम्हारे तीन चीज़ें इंडिविजुअल पड़ी हुई हैं. एक ये है तुम्हारा मॉड्यूल क्लाइंट जो है फ्रंट एंड, और ये तुम्हारा पड़ा हुआ है बैक एंड. ये दो चीज़ें हो गई तुम्हारी. ठीक है, अब तुम्हारे फ्रंट एंड को डाटा बेस से कोई लेना देना नहीं होता. ठीक है, फ्रंट एंड को हम नहीं बताते तुम्हारा डाटा बेस कौन सा है, क्या है. फ्रंट एंड को सिर्फ डाटा चाहिए और उसने डिस्प्ले करना है यूज़र को, बस फ्रंट एंड का सिर्फ इतना सा काम है. अब अगर हम फ्रंट एंड को बता देंगे डाटा बेस का, तो डाटा बेस की कुछ प्राइवेसीज होती हैं, कुछ कीज होती हैं, तो वो इशू कॉज कर लेगा. तो हम डाटा बेस को कभी भी फ्रंट एंड के साथ लिंक नहीं करते, ये गोल चक्कर इसलिए ही बना हुआ है. तो हम बैक एंड से डाटा लेते हैं. बैक एंड से डाटा कैसे लेते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं. ठीक है, ये REQUEST रिक्वेस्ट करेंगे और वो हमें रिस्पॉन्स वापस करेगा. रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में वापस करेगा, जेसन फॉर्मेट में वापस करेगा. एक फॉर्मेट होता है जेसन, एजेक्स भी कुछ होता है, लेकिन जेसन में समझ लो यूं तरीके से पैराथीसिस लग के स्ट्रिंग्स बड़ी होती हैं, सारा डाटा जितना हमें चाहिए तो वो स्ट्रिंग्स फॉर्मेट में आता है और हम उसमें से अपना डाटा कैच कर लेते हैं. वो हम देख लेंगे कुछ देर में, हम देख लेंगे. ठीक है, और डाटा जो जब हम डाटा रिक्वेस्ट करेंगे बैकएंड से सर्वर से, जिस जहाँ पे नोड एक्सप्रेस चल रहा है, तो वो डाटा वो बात करेगा हमारे
मोंगो डीबी के सर्वर के साथ, ठीक है। मोंगो डीबी को बोलेगा भाई फ्रंट एंड ने मुझसे ये डाटा मांगा है, तुम मुझे ये डाटा दो ताकि मैं उसको भेजूँ। तो इस तरीके से ये एक लूप बन जाता है। तो मन सिर्फ एक लूप है, ठीक है। चार डिफरेंट टूल्स, तीन डिफरेंट टूल्स यूज हो रहे होते हैं, आप तीनों को आपस में लिंक करते हो। रिएक्ट नोड से मांगता है, नोड कहता है भाई डेटाबेस मुझे डाटा दे, ठीक है। सारे लॉजिक्स आपके, सारे फंक्शन आप 2+2 करा रहे हो, आप कुछ फाइल राइट करा रहे हो, कुछ चीज़ें अपलोड करवा रहे हो, वो सारे आपके जो फंक्शन है ना वो आप बैक एंड पे आ जाते हो। तो आपके फ्रंट एंड में सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, वो है कि यूज़र को डिस्प्ले क्या करना है, ठीक है, यूज़र के सामने क्या शो हो रहा होगा। तो सिर्फ फ्रंट एंड में ये रह जाता है। सो इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, और आगे चलते हैं इसी हिसाब से, ठीक है। सो दिस इज फ्रंट एंड, फ्रंट एंड क्लाइंट, ठीक है। मैं बीच में आ रहा हूँ लेकिन चलो खैर आता रहूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, थोड़ा छोटा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यार फ्रंट एंड क्लाइंट क्या होता है। मेजरली फ्रंट एंड जो है वो रिएक्ट का पेज है, ठीक है। रिएक्ट SPA मीन रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन। रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन ही होती है। इसमें आप मल्टी पेजिंग भी जब करते हो तो आप कंपोनेंट को चेंज कर रहे होते हो, कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हो, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है। जब हम रिएक्ट का रिफ्रेशर आएगा इसी कोर्स में तो आप समझ जाओगे क्या होगा। तो रिएक्ट जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो रिएक्ट राउटर डॉम का होता है। राउट्स वगैरह करना, चीज़ें डिस्प्ले करना, स्टेट्स मैनेज करना, और स्टाइलिंग वगैरह, कंपोनेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो रिएक्ट स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो यूज़र को शो करना इंपॉर्टेंट होता है। जो यूज़र को शो हो रहा होता है, जो यूज़र के सामने जिसके थ्रू यूज़र क्लिक करता है, या इंटरफेस होता है जो हम बात कर रहे होते हैं, लाइक आपके मेरे बीच में जो इंटरफेस है वो यूट्यूब का है या फिर एक वेब ब्राउज़र का है, जहाँ पे यू एक बॉक्स बना हुआ है, मीडिया प्लेयर है, साइड पे एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट आ रही है। तो उस तरीके से ये सारा काम होता है फ्रंट एंड का। तो फ्रंट एंड जस्ट इंटरफेस होता है यूज़र के साथ डील करने का, इसमें और कुछ भी नहीं होता है। इसमें जस्ट रिएक्ट राउटर डॉम जो होगा वो कॉन्फ़िगरेशन रूट कॉन्फ़िगर करेगा और पेज के कंपोनेंट्स वगैरह कॉन्फ़िगर करेगा। ये भी हम देखेंगे स्टेट्स और हुक्स में कंपोनेंट इस तरीके से स्टेट्स के बेस पे चेंज होते हैं, हुक्स क्या होते हैं। ये ऑलरेडी वैसे एक वीडियो है, रिएक्ट की 2-3 वीडियोज हैं जिसमें स्टेट्स पे काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई हुई है, और ये स्टाइलिंग वगैरह पे भी हमने डिटेल में बात की हुई है। रिएक्ट नेविगेशन पे भी वीडियो है, फायरबेस पे भी वीडियो है। सो प्लीज़ वो वीडियोस देखो, बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा ये कोर्स। यू कैन नॉट इमेजिन कितना बेहतर ये होने वाला है, लेकिन बेहतर होगा, आई प्रॉमिस, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखते हैं बैकएंड में क्या होता है, ठीक है। बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड अभी एक समझो, फ्रंट एंड बन गया, ठीक है, ये फ्रंट एंड बन गया, अब बैकएंड है। तो बैकएंड आपका एक API होता है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, कि आपका फ्रंट एंड जो है वो बैकएंड के बात करता है। किस तरीके से बात करता है, हम कुछ रास्ते देते हैं उसको, ठीक है, रास्ते देते हैं उसको, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में बोलते हैं एंड पॉइंट्स देते हैं, ठीक है। मतलब समझो कि अगर डॉट अगर आपकी वेबसाइट है abc.com, ठीक है, तो आप एक स्लैश लगा के बता दोगे कि प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, राइटिंग बहुत ख़राब है लेकिन, तो ये आपने एक एंड पॉइंट बताया अपने बैक एंड को, और आप बताओगे कि जब डॉट प्रोडक्ट पे रिक्वेस्ट आए तो अपना डाटा भेज दो, ठीक है, आप सिर्फ डाटा भेज दो अपने मेन पेज पे, ठीक है, मेन पेज पे डाटा चला गया, मैं यहाँ पे मेन लिखता हूँ कि मेन पेज पे डाटा चला गया। सो दैट्स मीन कि आपका फ्रंट एंड था, ठीक है, फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड ने डाटा रिक्वेस्ट करना है, मैंने बताया डाटा रिक्वेस्ट करता है, डाटा रिक्वेस्ट करेगा, डाटा रिक्वेस्ट स्पेसिफिक जगह से करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बैक एंड को कहीं से भी रिक्वेस्ट आए वो डाटा भेजेगा, कहीं पे भी रिक्वेस्ट आए वो डाटा भेजेगा। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ वेज होती हैं, ठीक है, तो वो हमेशा क्या करेगा कि एक स्पेसिफिक जगह होगी जहाँ से डाटा लेना है, जहाँ पे डाटा देना है, जहाँ से डाटा डिलीट करना है, जहाँ पे डाटा एडिट करना है, स्पेसिफिक रास्ता होगा, ठीक है। हम स्पेसिफिक रास्ता बताएंगे, ठीक है, एंड पॉइंट होगा हमारा डिकपल्ड एंड, ठीक है, समझ लो, हम उस रास्ते पे जाके उसको बताएंगे भाई मुझे डाटा दे दो, मेरा डाटा ले लो, नया डाटा आया इसको पास रख लो, या कुछ भी ऐसा जो भी हम स्पेसिफिक एंड पॉइंट्स पे ही कर सकते हैं, हर जगह नहीं कर सकते। अब इसके दो वेज हैं, ठीक है, बैक एंड से डाटा लेने के दो वेज हैं। एक ये REST API वाला वेज है जो हर जगह पे मेजरली यूज होता है और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक GraphQL है जो इतना ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है। डिफरेंट ये है कि इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में फॉर नाउ नहीं जाएंगे, जब डिज़ाइन करेंगे, जब डेवलप करेंगे तब इन डिटेल में जाएंगे। तो समझ लो फॉर नाउ इतना डिफरेंस है कि REST API में डाटा लेने का, डाटा देने का, डाटा डिलीट करने का, डाटा एडिट करने का स्पेसिफिक पाथ है, ठीक है। जब आपने डाटा लेना है तो आप कहोगे गेट, जब आपने डाटा देना है आप पोस्ट कहोगे, इसी तरीके से डिलीट है और इसी तरीके से अपडेट है, आई गेस चार टर्म्स हैं, और जस्ट उन्हीं बेस पे आप चेंज करते हो। लेकिन
ग्राफक्यूएल में क्या होता है कि आपका एक ही है, ठीक है, आपका जस्ट एक ही वर्ड होता है, वो वर्ड कोई भी हो सकता है, वन वर्ब है, कोई भी एक एंड पॉइंट होगा जो आप डिफाइन करोगे। समझ लो आप कहते हो कि मेरा वर्ड है अल्फा, ठीक है, आप अल्फा ही हमेशा भेजोगे। अब अल्फा के अंदर जाके चेंजेस होती हैं, अल्फा के अंदर जाके आपका डाटा भी पड़ा होगा और एक और सेक्शन होगा क्वेरी का, जहाँ पे लिखा होगा कि भाई ये डाटा आया है, इसको डिलीट करना है या इसको एडिट करना है या इसको चेंज करना है। तो आप एंड पॉइंट से स्पेसिफाई नहीं कर पाओगे कि ये डाटा चेंज करने के लिए जा रहा है, ये डाटा डिलीट होने के लिए जा रहा है, या ये नया डाटा आ रहा है। जबकि रेस्ट में क्या होता है कि आप जब डाटा भेजते हो तो आप लगाते हो साथ गेट, तो गेट से आपको पता लग जाता है अच्छा मैंने डाटा लेना है वहां से। अगर जब आपने डाटा भेजना होता है आप साथ लगा देते हो पोस्ट, तो आपको आपकी यूआरएल से ही पता लग जाता है कि भाई ये डाटा किस लिए जा रहा है। सो ये थोड़ा सा मेजर सा डिफरेंस है इसमें, बाकी हम इसको इन ग्रेट डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। हम रेस्ट एपीआई ही यूज करेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि रेस्ट एपीआई में क्या होता है। तो ये सिंपल सा हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट जो है वो नोड एक्सप्रेस सर्वर से बात करेगा। हमें पता है क्लाइंट हमारा कौन है, क्लाइंट रिएक्ट है। रिएक्ट जब पोस्ट करना होगा तो वो डाटा पोस्ट कीवर्ड के साथ भेजेगा, जब गेट करना होगा तो गेट करने के साथ भेजेगा। जब गेट करना होगा कोई डाटा और पोस्ट में से कोई स्पेसिफिक पोस्ट आईडी वाला डाटा गेट करना होगा तो वो पोस्ट आईडी पे भेजेगा। तो ये डिफरेंस है गेट पोस्ट पोस्ट में, ठीक है। और ये हमारे एपीआई एंड पॉइंट है, जो मैंने कहा कि हम स्पेसिफिक जगह से डाटा रिक्वेस्ट करेंगे। आप स्लैश एबीसी लिख के डाटा नहीं मांग सकते हो, आप स्पेसिफिक रूट और स्पेसिफिक एक एंड पॉइंट को फॉलो करोगे। आपको पता है कि भाई जब मैं इस तरीके से भेजूंगा ना, गेट स्लैश पोस्ट स्लैश ये दो सेमी कॉलन और साथ पोस्ट आईडी जो है, ठीक है, ये कॉलन है, पोस्ट आईडी जो है यहाँ पे आप लिखोगे वन, तो आपको पता है कि ठीक है वन पे अब आपका बैकएंड सुन रहा है, वन पे उसको पता है कि भाई वन पे मेरा एंड पॉइंट है, बैक स्लैश वन पे अगर वन आएगा तो मुझे ये प्रोडक्ट भेज देना है, या फिर बैक स्लैश पोस्ट पे मेरा एक एंड पॉइंट है, एक डोर है, एक विंडो है, जहाँ पे जब कोई आएगा मैंने अपना डाटा उसको दे देना है, इसके अलावा और किसी विंडो पे मैंने अपना डाटा नहीं देना। तो इस तरीके से समझ लो तो ईजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में ये डिफरेंट वेज हैं गेट उसमें रेस्ट एपीआई में जो हम करते हैं। हम एचटीटीपीस यूज़ करते हैं, एचटीटीपीस क्या होता है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मेजरली रिक्वेस्ट और रिस्पांस वाली कहानी है, किस किस वे में किस प्रोटोकॉल के थ्रू हम डाटा रिक्वेस्ट करते हैं, किस प्रोटोकॉल के थ्रू डाटा का रिस्पॉन्स आता है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। एचटीटीपी मेथड फॉलो होता है, ठीक है। तो गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच है, डिलीट है, और ऑप्शन में खुद भी अपने से भी कोई बना सकते हो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें स्पेसिफाई कर दूँ, यहाँ पे गेट का मतलब हमेशा ये नहीं है कि गेटा तुम ले रहे हो, ठीक है। गेट एक यूजर को इजी करने के लिए स्पेसिफाई किया हुआ है, गेट दिया हुआ है कि भाई गेट का मतलब है तुम चाहो तुम, अब प्रोग्राम तुमने करना है, तुम बैक स्लैश गेट लगा के फंक्शन को बोलो जब गेट आए तो तुम डेटा डिलीट कर दो, ये तुम स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये हार्ड कोडेड नहीं है कि गेट का मतलब लेना ही है, लेकिन ये हमारे ईज के लिए है, ताकि हमें याद हो कि जब डाटा लेना है तो हम गेट लगाएं। अब तुमने लगा मुश्किल करना चाहते हो तो कर लो यार, गेट लगा के डिलीट कर दो, जो मर्जी दिल करे करो अपनी प्रोग्रामिंग का क्या फर्क पड़ता है, कोड ही लिखना है तो कर लो, मजा आना चाहिए बस, ठीक है। अब अगला है ग्राफ क्यूएल। तो ग्राफ क्यूएल में देखो, जैसे वहां पे मल्टीपल एंड पॉइंट थे रेस्ट एपीआई में, यहाँ पे क्लाइंट सब सारी चीजें सेम है, जस्ट वन सिंगल एंड पॉइंट है। जैसे मैंने कहा कि बैक स्लैश ग्राफ क्यू एल है, जैसे मैंने अल्फा की एग्जाम्पल दी थी, तो समझो बैक स्लैश अल्फा है। अब इसके अंदर आई बिलीव एक एग्जाम्पल है मेरे पास, तो देखो तुम्हारा ग्राफ क्यूएल में क्या होगा कि जैसे मैंने कहा पैरेंथेसिस लगा के क्वेरी होगी, ठीक है, क्वेरी के अंदर यूजर का जो डाटा होगा हमें वो करना होगा, और यहाँ पे ऑपरेशन एंड पॉइंट होगा इसी क्वेरी के अंदर, यहाँ पे हम बताएंगे कि डाटा डिलीट करना है, गेट करना है, पोस्ट करना है, क्या करना है, तो वो हम इस तरह स्पेसिफाई करेंगे। तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि यार ये वाला सीन ईजी है कि जब डिलीट करना है तो सीधा डिलीट लिख के भेज दो कि भाई डिलीट कर दो, लेकिन साथ तुम्हें प्रोग्रामिंग भी डिलीट वाली करनी होगी, डिलीट करोगे तो खुद, ठीक है, ऐसा नहीं कि डिलीट कब भेज रहे हो और अंदर तुमने कोड कर दिया कि ऐड करो तो फिर वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे जब तुम्हें डाटा, इतने सारे एंड्स पॉइंट है, जब डाटा लेना है तो तुम्हें पता है किधर से डाटा लेना है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम एक ही क्वेरी भेजोगे, एक ही एंड पॉइंट है और वहाँ से तुम्हें डाटा मिलेगा, लेकिन तुम्हें बीच में चेंजेस करनी पड़ेंगे काफ़ी सारे, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम भी क्या फॉलो करेंगे, हम भी रेस्ट वाले एपीआई वाला मेथड फॉलो करेंगे जिसमें मल्टीपल एंड्स पॉइंट हैं, हम अपने हिसाब से भी एंड पॉइंट्स बना सकते हैं, तो वो सब हम देखेंगे, ठीक है। और इसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपीआई बिकॉज इजी टू यूज़ है, ये थोड़ी सी पॉपुलर बट लेस कॉमन है, क्योंकि बिकॉज यू नीड टू, तुम्हें क्वेरी लैंग्वेज अलग से सीखनी पड़ती है ग्राफ क्यूएल के अंदर के, भाई जब अब मैं क्वेरी किस तरीके से भेजूंगा डिलीट करने के लिए डेटाबेस के पास या फिर एडिट करने के लिए, तुम्हें क्वेरी लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और एपीआई इज अ स्टेटलेस एंड डीकपल्ड फ्रॉम एनी फ्रंट एंड, तो तुम
या अगर तुमने बैकएंड बना लिया है ठीक है, और तुमने अपनी एपीआई ठीक से कर लिए हैं कि बैक स्लैश पोस्ट पे डाटा भेजना है, अब तुमने एपीआई अपनी एपीआई को समझा दिया, बैकएंड को समझा दिया कि जब बैक स्लैश पोस्ट पे रिक्वेस्ट है तो तुम अपना डाटा भेज दो, तो अब तुम ऐप से रिक्वेस्ट कर अब तुमने ऐप बनाया ऐप से रिक्वेस्ट करते हो, या तुमने वेब बनाया वेब से रिक्वेस्ट करते हो, तो ये इसको इससे फर्क नहीं पड़ता, इसने अपना डाटा भेजना है ठीक है, जो अपना डाटा भेज देगा। सो ये इस दोनों दोनों में ये है कि ये इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेटफॉर्म है, तो आपको डाटा चाहिए ये डाटा देगा, इसको नहीं पता मोबाइल पे डाटा भेजना है कि कंप्यूटर पे डाटा भेजना है ठीक है। अब देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया मल्टीपल चीज़ें थी ठीक है, कि हमारा एक बैकएंड होता है एक फ्रंट एंड होता है, मैं थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर में जाता हूँ तो बेहतर समझ आ जाएगा ठीक है। सो इस तरीके से इसका फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे क्या है एक फ्रंट एंड है एक बैक एंड है, दो फोल्डर होते हैं ठीक है। हम इसी तरीके से हम भी बनाएंगे, फ्रंट एंड में हमारा सारा फ्रंट एंड का कोड होता है, बैक एंड में सारा बैक एंड का कोड होगा, और फ्रंट एंड में रिएक्ट ही होगा सारा, और बैक एंड में जो हम एक्सप्रेस वगैरह यूज़ करेंगे, मैं फिलहाल कोड वगैरह नहीं दिखा रहा, जब टाइम आएगा तभी कोड दिखाऊंगा। सो जस्ट दो फोल्डर होते हैं ये समझो। अब ये इंडिविजुअल दो सर्वर हैं ठीक है, अब ये इंडिविजुअल दो सर्वर हैं, अब ये तीन भी हो सकते हैं ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि इंडिविजुअल तीन कंपोनेंट्स हैं ये ठीक है, जिसमें एक साइड ये बैकएंड है और एक साइड फ्रंट एंड, बैकएंड पे दो सर्वर हैं ठीक है, तो इसी तरीके से दो सर्वर ओपन होंगे ठीक है। हम भी इसी तरीके से करेंगे कि एक हमारा ये सर्वर होगा एक ये सर्वर होगा, अब ये सर्वर दोनों आपस में लिंक कैसे होंगे ठीक है, इसके मल्टीपल वेज हैं, इसके आप मल्टीपल वेज कर सकते हो। कि एक वेज तो ये है कि आप एक ही ऐप बनाओ ठीक है, एक ही सर्वर बनाओ, उसी में जैसे कि अमार खान डॉट कॉम है ना, ये आपका मेन पेज है स्लैश पोस्ट, अब ये आपका एंड पॉइंट बन जाएगा, तो ये इन बिटवीन ही चीज़ चलती रहेगी, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है ठीक है, कि आप एक ही आपका मेन पेज भी है उसी के साथ पोस्ट लगा के आप उसी से डाटा ले भी रहे हो, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क बन जाता है। तो इसके बदले आप क्या होता है कि हम टू सेपरेटेड सर्वर्स यूज करेंगे ठीक है, फॉर थ्रू आउट दिस कोर्स हम टू सेपरेटेड सर्वर्स यूज करेंगे, जिसमें एक सर्वर पे चल रहा होगा मोंगो डीबी और एक एक्सप्रेस ठीक है, और एक सर्वर पे चल रहा होगा हमारा फ्रंट एंड क्लाइंट ठीक है, मतलब रिएक्ट चल रहा होगा। सर्वर से मतलब है कि कंप्यूटर सेम होगा, सर्वर डिफरेंट होंगे ठीक है, कंप्यूटर भी डिफरेंट कर सकते हो लेकिन इतना खर्चा नहीं करते फिलहाल, तो सिर्फ कंप्यूटर सेम होगा, लैपटॉप सेम होगा, एनवायरनमेंट सेम होगा, सर्वर डिफरेंट होंगे, तो मैं भी चला के दिखाता हूँ, देर इज नो नीड टू वरी ठीक है। तो ये मल्टीपल वेज थे। अब अगर मैं इस फोल्डर में आऊँ ठीक है, और यहाँ पर हम देखें कि एक बैकएंड का फोल्डर है एक फ्रंट एंड का फोल्डर है, मैं आपके साथ कुछ यहाँ पे पढ़ा तो नहीं है सच में, मैं आपके साथ ये वाला एक जिप है सिंपल मॉन्स्ट्रैक प्रोजेक्ट ये शेयर करूंगा, और मैं बता दूंगा किस तरीके से क्या करना है, आपने जस्ट सिंपली एक्सट्रैक्ट करना है इन दोनों को ठीक है, और इधर आके इस फोल्डर की डायरेक्टरी में सीएमडी करना है, और सीएमडी करके देख लेना कि नोड डैश डैश वर्जन लिख के कि आपका वर्जन ये वाला हो ठीक है, अगर ये वाला वर्जन नहीं है कोई और वर्जन है तो नोड डाउनलोड स्लैश इस जगह पे जाके प्री बिल्ड इंस्टॉलर में जाके तो अपना वर्जन डाउन कर लेना ठीक है, 16.20 पे आ जाना ठीक है, 16.20 पे आ जाना, क्योंकि अगर आप हायर वर्जन पे हो तो ये कुछ एरर्स देगा ठीक है। जब अपना वर्जन ड्रॉप कर लोगे यहाँ पे आ जाओगे तो दोनों प्रोजेक्ट्स में जाके एक टर्मिनल ओपन कर लेना ठीक है, ये हमने टर्मिनल ओपन कर लिया ठीक है। अपने फ्रंट एंड वाले को npm start लिखोगे, npm start लिखोगे तो ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा तो ये ओपन भी हो जाएगा, जब ओपन हो जाएगा तो फिर हम वहाँ पे देख लेंगे ये वहाँ पे क्या क्या कर रहे थे, ये डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया ठीक है। ये रिएक्ट पे चल रहा है, एक्चुअल में ये रिएक्ट पे बना हुआ है, अगर ये वीट पे बना होता तो ये काफ़ी फास्ट होता, बट खैर। तो ये हमारा फ्रंट एंड है ठीक है, ये हमारा फ्रंट एंड जो कि कॉलन 3000 पोर्ट पे चल रहा है समझ लो ठीक है। अब यहाँ से आप राइट नाउ ये आपका है, आप यहाँ पे कुछ ऐड करो, लाइक आप जब एक बुक ऐड करते हो और प्राइस लिखते हो 1 2 3 ऐड प्रोडक्ट करते हो, तो ये आपके नहीं करेगा क्योंकि नॉर्मली रिएक्ट में क्या होता है आपका डाटा यहीं पे स्टोर हो जाता है, आप रिफ्रेश करते हो तो वो डाटा चला जाता है ठीक है। लेकिन अब जब बैकएंड भी आ जाते हैं ना तो आपको बैकएंड भी स्टार्ट करना पड़ेगा, आप बैकएंड वाले फोल्डर में भी npm स्टार्ट करोगे ना, तो आप npm वाले फोल्डर में आके आपने npm स्टार्ट किया, अब ये आपका नोड सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो गया ठीक है। तो बिहाइंड द कोड इन कोड में मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि 3000 पोर्ट पे डाटा आएगा, 5000 से मैं राइट नाउ नहीं दिखा रहा क्योंकि राइट नाउ समझ नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा चीज़ और वीडियो क्लियरेंस ज़्यादा हो जाएगी, सो ये मैं दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम बुक करेंगे, बुक के अंदर हम प्राइस बता देंगे 1 2 3
ठीक है 23, चलो अभी हमारी बुक ऐड होगी। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश भी करेंगे ना तो ये चलता रहेगा, क्योंकि अब ये डाटा रिएक्ट पे स्टोर नहीं है। नॉर्मली जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं या कोई इस तरह का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा डाटा रिएक्ट पे स्टोर होता है और वहीं से डाटा हमारा आ रहा होता है, जब हम रिफ्रेश करते हैं तो डाटा उड़ जाता है। लेकिन अब ये डाटा जो है ये स्टोर्ड है बैकएंड के पास जाके, ठीक है, बैकएंड वाली फाइल में जाके स्टोर हो रहा है वहाँ पे। और जब तक बैकएंड का सर्वर चलता रहेगा, आप जब तक आप इसको जितनी मर्जी दफा रिफ्रेश कर लो, फ्रंट एंड के सर्वर को बंद करके रिस्टार्ट कर लो, ये चलता रहेगा, ठीक है। सो दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। अब अगर डाटा खत्म करना है तो भाई सिंपल यहाँ पे जाके कंट्रोल सी करो, जब ये सर्वर बंद हो जाएगा, अब आप डाटा रिफ्रेश करोगे तो ये नहीं मानेगा, और आप जब अब दोबारा इस सर्वर को स्टार्ट करोगे तो ये डाटा नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये डाटा यहाँ पर नहीं होगा, ये डाटा डिलीट हो गया, आपको दोबारा बुक ऐड करनी पड़ेगी। सो ये बुक दोबारा आ गई, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि आप कहते हो कि यार मैं अपना फ्रंट एंड बंद कर रहा हूँ और दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने अपना फ्रंट एंड बंद किया, दोबारा स्टार्ट किया, ठीक है। सो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, ये लोड हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम, कम ऑन, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे आपकी बुक ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि बुक जो पड़ी हुई है वो बैकएंड के पास पड़ी हुई है। सो ओके, झूठ नहीं बोल रहा था, बुक पड़ी हुई है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉन्स्टैक डेवलपमेंट, के मॉन्स्टैक में क्या होगा, मॉन्स्टैक कैसे काम करेगा, और बिलीव में ये प्रोजेक्ट बहुत डिफरेंट होगा बाकियों से। इसमें हम पोर्टफोलियो भी कोड करेंगे, इसमें वो चीज़ें कोड करेंगे जो आपको चाहिए, इसमें वो कोड नहीं करेंगे जो मुझे दिखाना है, ठीक है। इसमें वो कोड करेंगे जो आपका प्रोफाइल बेहतर कर सकती है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आएंगी। सून हम लाइव स्ट्रीम भी करेंगे जिसमें हम टू डू लिस्ट बनाएंगे, फ्रंट एंड रिएक्ट पे प्रैक्टिस करेंगे। सो ज्वाइन करना अगर रियल टाइम में सीखना है ना, तो वहाँ पे रियल टाइम में क्वेश्चन आंसर्स भी हो सकते हैं, आई विल कोड, आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो हम लाइव चैट भी करेंगे, लाइव स्ट्रीम भी करेंगे जिसमें टू डू लिस्ट बनाएंगे, इस तरह की मल्टीपल चीज़ें हम बनाते रहेंगे फ्रॉम नाउ, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो और वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट मॉन्स्टैक डेवलपमेंट, फील फ्री टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम का लिंक भी है, फेसबुक का लिंक भी है, YouTube पे सब्सक्राइब करो, YouTube पे कमेंट करो, इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और कितने सब्सक्राइबर हैं वैसे, 1.05 हैं अभी, तो लेट्स मेक इट 2 यार। और ये पिछली वीडियोज भी देख लेना, भूलना नहीं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ है, ठीक है।